आज बेसिकली सर आने का जो विषय है वो मैं दोबारा बात कर देता हूँ। इससे पहले भी एक बार लॉकडाउन के टाइम पीरियड में आप सभी लोगों से मुखातिब हुआ था मैं, सब लोगों से बातचीत हमारी हो रही थी। आज स्पेशली एक मुद्दा है कि देखिए, अब लॉकडाउन में रहते हुए लंबा टाइम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला था, जान है जान भी जहान भी। जब शुरुआत में आए थे तो स्टेटमेंट थी जान, आज हो गया है जान भी जहान भी। इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी है और सब लोगों के घर पे, पूरे इंडिया में मोस्टली परिवारों के घर पे फाइनेंशियली स्ट्रगल भी है, आगे भी जिंदगी देखनी है। और आज भी मैं न्यूज सुन रहा था, लगातार मैं पिछले 5-6 दिन से न्यूज सुन रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो निकल के ये आ रही है कि गवर्नमेंट हो डॉक्टर्स हो, हर किसी ने एक चीज बोल दी है कि अब जो आने वाला अगला टाइम है वो टाइम टू लिव विद कोविड है, यानी कि कोरोना वायरस अब हम लोगों के बीच में से जाने वाला नहीं। अब तक तो हम लोग घर पे थे, हम लोग अपनी जान बचा रहे थे, हम उसके लिए सीरियस थे, हम सब लोगों ने लॉकडाउन फॉलो किया। लेकिन अब क्या है कि इकोनॉमी डाउन हो रही है तो घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, हर व्यक्ति को निकलना पड़ेगा, हम लोगों को भी काम करना। और जिंदगी में जितने बड़े मुकाम को, जितने बड़े सपने को लेकर, मेरा आवाज आ रहा है सर? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम हुआ था। अभी ठीक है, आवाज आपकी ओके है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो वो जो चीज थी, तो हम लोगों का क्या है कि अब टू तो लिव विद कोविड है। और जब आती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब जुड़ते हैं ना, तो मैंने बहुत सी कंपनीज के साथ देखा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि एचएचआई के साथ ताल्लुकात क्यों है, एक बेसिक ताल्लुकात की आज मैं बात करता हूँ, वहीं से इस सारी चीज का, इस सेशन का आपको विजन मिलेगा। सिचुएशन क्या है ना कि हर कंपनी ये सोचती है कि जो भी उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ना उस कंपनी के कमीशन बेस्ड सेल्समैन है। वो कंपनी कभी भी ये नहीं कल्पना करती है कि उसके साथ जुड़े हुए लोग उसके पार्टनर हैं, उसके फैमिली का भिन्न हिस्सा है, ये एक बड़ा सा परिवार है। 90% कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स की ये सोच होती है कि जो व्यक्ति हमसे जुड़े हैं ये कमीशन बेस्ड सेल्समैन है, हम लोगों के पास प्रोडक्ट है, इनको पास करने को काम धंधा नहीं है, ये हमारा माल बेचेंगे और हम इनको कमीशन इशू करेंगे। लेकिन एचएचआई की मैनेजमेंट में मेरे को हमेशा एक चीज मिला कि वो एक परिवार की तरह पूरे ग्रुप को देखते हैं, इसीलिए ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं और इसीलिए हमारी आत्मा भी जुड़ती है। अब सवाल ये है कि हमारी नॉलेज किस काम की, क्या नॉलेज सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए होती है, क्या नॉलेज सिर्फ इस काम के लिए होती है कि हम सेलेबल प्रोडक्ट्स बना सकें, बल्कि नॉलेज का असली रिजल्ट तब है जब आप ऐसे वक्त में लोगों की मदद कर पाओ जब रास्ता किसी को ना सूझ रहा हो। आज हमारे परिवार को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है जो हमें लगता है, और आज हमें डिलीवर करना है, आज हमें ये बताना है कि हम एक परिवार हैं, कल आने वाले कल में हमें एक एग्जाम्पल बनना है। हमें इस चीज की चिंता नहीं है कि बिजनेस क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोगों का टीम अच्छा बिजनेस करेगी और बहुत शानदार बिजनेस करेगी, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन समस्या ये आने वाली है कि जब हम घर से बाहर निकलेंगे और घर में वापसी लौटेंगे तो घर से बाहर जाते हुए दिल का धक धक करना और वापसी आते हुए दिल का धड़कना। आज सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति घर से निकलेगा तो फौजियों वाला हाल हो जाएगा घर में, कि अब व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि शाम को आएगा तो स्वस्थ लौटेगा बीमार लौटेगा। दिल्ली में अभी एक करंटली केस हुआ है, उस करंटली केस के अंदर 31 साल का जो व्यक्ति है वो सिर्फ 12 घंटों के अंदर कोरोना से गुजर गया। आज ये जिम्मेदारी, आज पता नहीं कैसे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जाए कि उसने ये मौका दिया है कि इतनी सारी जिंदगियां हम बचा सकते हैं। स्पेशली 500-700 परिवार तो आमने सामने सुन रहे हैं, ये केवल ईश्वर का दिया मौका है। ज्ञान अपॉर्चुनिटी होती है, नॉलेज अपॉर्चुनिटी होती है, मेहनत अपॉर्चुनिटी होती है, और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि हम लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं, बोल के अपना दिमाग लगा के कुछ सीखे हुए से हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं। इससे बड़ा खुशनसीबी मैं नहीं मानता कि जीवन में कोई दूसरी है। उस चीज को देखते हुए जो मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगा कि अब जब हम कोविड से निकले, आज हमारा सेशन इस चीज पे है कि हम ये जिम्मेदारी लेंगे, आप और मैं मिलके हम जिम्मेदारी लेंगे कि हम आपको पूरी नॉलेज देंगे, और आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि जब आप घर से निकलेंगे तो आप ये इंश्योर करेंगे कि वापसी घर में आप अकेले आएंगे, कोरोना नहीं आएगा, घर के जो व्यक्ति हैं वो स्पष्ट रहेंगे, और हमें एक नया मिशन बनाना है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा, इकोनॉमी खुल जाएगी, हम सब लोग भी काम करने जाएंगे,
तो हमें इंडस्ट्री को एक नया एग्जाम्पल देना है, हमने एक नया इतिहास करना है कि भले ही किसी कंपनी के एसोसिएट को कोरोना हुआ हो, लेकिन नॉलेज तब साकार होगी। मैं तब यह मानूंगा कि मेरा एफर्ट साकार हुआ जब हमारे पूरे हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार के एक भी व्यक्ति और उसके निजी परिवार में से किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना नाम का ये जीवन संकट जो है इससे ना जूझना पड़े। कामयाब अब हम तब होंगे जब हम अपने पूरे हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार को यहां से सेफली निकाल के लेके जाते हैं। जब तक कोरोना के केसेस भारत में जीरो नहीं हो जाते तब तक हम इससे रूबरू नहीं होना। ये छोटा सा वायरस, छोटी सी बीमारी की इतनी औकात नहीं रखनी है कि हम लोगों को कोई बड़ा सा दुख दे सके, परिवार में हमारे में कोई कष्ट लेके आ सके, क्योंकि अब इलाज भी खुद के पैसों से करवाना पड़ेगा, ऊपर से जो कष्ट होंगे वो होंगे, मोर्टेलिटी रेशियो भी अभी ज्यादा चल रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मेरा सेशन ये है कि बेशक कुछ लोग जो रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो डायरी पेन ले ले, वो इस चीज को नोट कर लीजिए। आई विल गिव यू सम टिप्स एंड विल मेक श्योर हम इस चीज को कंफर्म करेंगे कि आप में से किसी व्यक्ति को या उसके घर में ये कोरोना नाम की चीज जो है घर में आ ही ना पाए। हम काम करेंगे लेकिन तरीके से करेंगे, हम काम करेंगे लेकिन बिना डर के करेंगे, हम काम करेंगे खूब काम करेंगे लेकिन बिना कोरोना के करेंगे। और हम श्योर करेंगे आज का जो मैं सेशन है ये मैं गारंटी करता हूं कि जिस दिन ये कोरोना के केसेस जीरो होंगे उस दिन आप लोगों को याद आएगा कि एक भी व्यक्ति जिस जिसने ये सेशन सुना था फॉलो किया था उनमें से एक भी व्यक्ति को हम कुछ भी होंगे लेकिन कोरोना का शिकार नहीं होने देंगे। अब बेसिक एक चीज समझते हैं, अब डायरेक्टली मैं मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है करने की, उस चीज को समझिए कि बहुत सारे लोग न्यूज में सुन चुके होंगे लेकिन अब प्रैक्टिकली हमें क्या करना उस पे जाना है। सबसे पहले ये है कि ये कोरोना नाम का वायरस मामूली है। अगर हम बेवकूफों वाली एक बेवकूफी ना करें, एक गलती ना करें, तो कोरोना नाम का जो वायरस है ये बहुत छोटी औकात का है। इसको क्या चाहिए, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चाहिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है कि इसे अगर हमारी बॉडी में एंटर करना है तो अभी तक इसके पास केवल तीन पैसेजेस हैं। तीन पैसेज में से पहला पैसेज है हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू, नाकों के थ्रू हमारे अंदर चला जाएगा। दूसरा हमारे मुंह से हमारे थ्रू अंदर चला जाएगा। तीसरा जो हमारे टीयर ग्लैंड से जहां से आंखों के आंसू बाहर निकलते हैं वो भी एक जगह है जहां से इसकी एंट्री बॉडी के अंदर पॉसिबल है। हो गया तो धीरे 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 हमारी बॉडी को होस्ट करता चला जाएगा। इस चीज के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है वो समझिएगा। सबसे पहला जो हमारा हथियार बनेगा वो होना चाहिए हम लोगों का मास्क। और मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा, जिन लोगों की जेब में पैसा, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है वो लोग भी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मास्क जो होगा वो प्राइमरी है, लेकिन ये मत समझिए कि मास्क लगाया हटाया तो हम बच जाएंगे, क्योंकि हो सकता है हम लोगों को आदत होती है एक घंटे के अंदर एक व्यक्ति औसतन 26 बार मुंह को छूता है। अगर मैं यहाँ छू रहा हूं या मुंह पे छू रहा हूं या आंखों के पास इस तरीके से आंखों को मल लिया, और अगर मेरे हाथ पे कहीं से भी हुआ, क्योंकि हाथों पे वायरस लगने के चांसेस बहुत होंगे, इस वायरस की जो लाइफ है वो गत्ते पे 24 घंटे है, आपका जो कासा है तांबा है उन पे तकरीबन 4 घंटे की लाइफ है इसकी, मेटल के ऊपर हमारे कपड़ों के ऊपर लगभग 24 घंटे की लाइफ है इसकी। सॉफ्ट सरफेस है, हालांकि वहां से फैलने का खतरा कम है, लेकिन फिर भी लाइफ है वहां पर। वहां से कहीं उठ के गया तो जरूर फैल सकता है, लेकिन स्टील और प्लास्टिक की चीजों पे इसकी जो लाइफ है वो 72 घंटे से 96 घंटे की है। अब इन चीजों को हमने टच किया तो हमारे हाथ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पे आ जाए, पूरे हाथ पे लग जाए, कहीं समस्या नहीं है। कारण क्या है, स्किन के थ्रू हमारे अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता है, हमारी स्किन से अंदर नहीं जा सकता है। जाने के लिए इसको क्या चाहिए होगा कि एक बार आप हम और हम इसे उठा के अपने रेस्पिरेटरी ग्लैंड इन तीन ऑर्गन्स तक पहुंचा दें। तो हम लोग जब मास्क लगा के निकलें, सुबह जब मास्क लगा के निकलें, या जिनका मास्क नहीं है तो गमछा पहन लीजिए तीन लेयर के अंदर, क्योंकि 0.3 माइक्रोन्स तक हमारे को परमेबिलिटी चाहिए जो इसको रोक सकती है। तो दो या तीन बार सूती कपड़ा लपेट लिया। अगर हम रुमाल बांध रहे हैं, कई लोग बांध रहे हैं तो डबल फोल्ड बांधते हैं, एक्चुअली ट्रिपल फोल्ड होना चाहिए, एक लेयर होनी चाहिए रुमाल की अगर हम बांधते हैं तो। ट्रिपल फोल्ड कर लिया तो उसके बाद बस हमें एक सावधानी बरतनी है कि अगर हम सुबह घर से मास्क लगा के निकले हैं तो वो मास्क शाम तक हमें लगा के रखना है।
उस मास्क को हमें शाम तक लगा के रखना है, ये पहली समझदारी हमें करनी है। सिर्फ खाना खाने के लिए हम हटा सकते हैं, और खाना खाने के लिए अपने घर से बना खाना लेके जाइए। अगर किसी के घर जा रहे हैं तो या तो साफ ग्लास में पानी पकड़िएगा, या आप जो है स्टरलाइज करके उबले हुए पानी के अंदर या उस बर्तन को पहले धो लीजिए ढंग से, जिसमें कि आपने पानी ग्रहण करना, ऐसा ना हो कि किसी और जगह पे टच किया हो वो, और उसको अगर खुद उठ के धो लेते हैं तो और बढ़िया है, तो वो निकल जाएगा। पहले हाथ वॉश होगा, उसके बाद आपका बर्तन वॉश होगा। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, मास्क उतारने का भी तरीका होगा, ये सावधानी पहली बरतनी है। दूसरी चीज, जब भी पानी पिए, पानी के अंदर भोजन के द्वारा ये ट्रेवल कर सकता है, तो पानी जब भी पिएंगे आप, तो उसमें तुलसी ड्रॉप्स या जो भी हमारे ड्रॉप्स है, जिंजर ड्रॉप्स, कोई भी ड्रॉप्स डाल लीजिए, क्योंकि जो भी ड्रॉप बनाई जाती है उसमें एक चीज डलती है, एमएलसी फायर। इसका जो है बाहर का जो तंत्र है वो फैट का बना हुआ, अगर एक बार इसकी फैट की लेयर डिसॉल्व हो जाए, वंस अपॉन अ टाइम इसका फैट का लेयर अगर डिसॉल्व हो जाता है, तो उस फैट की लेयर डिसॉल्व होने के बाद ये मरना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमने तुलसी का या हर बार पानी पीते हुए 2-3 बूंद डाल दिया, अगर उसमें कहीं से भी इसका प्रेजेंस हुआ, तो वो उसकी बाहर की लेयर किल कर देगा, क्योंकि एमएलसी फायर का काम ही होता है फैट को पानी के अंदर घोल देना। अगर फैट पानी के अंदर घुल गया तो ये वायरस इमिडिएटली मर जाता है। तो हमें पानी के अंदर तुलसी ड्रॉप, जिंजर ड्रॉप, इलायची ड्रॉप, जो भी ड्रॉप्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हमें डालनी ही डालनी। तो उसके बाद क्या है, हम लोगों का पानी क्लींस रहेगा, तो वहां से आने का मीडियम खत्म हो गया। खाना हमेशा घर का लेके जाइए, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है जब तक कोरोना में केसेस जीरो नहीं हो जाते हैं। ये कुछ सावधानियां जो पकड़ के रखेंगे तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोरोना नाक मुंह आंख तक नहीं पहुंच पाया तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। नाक और मुंह को कवर करने के लिए मास्क पहनना है, सीधा नाक के ऊपर से इस तरीके से कवर करते हुए, और आंखों में हाथ ना मारें, इसके लिए कोई भी ग्लास चश्मा पहनना स्टार्ट करिए। हम चश्मा उतारते हैं तो आंखों में हाथ मारते हैं, बस ध्यान ये रखना है चश्मा उतारना नहीं है, मास्क रिमूव नहीं करना है। रिमूव कैसे करेंगे उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। एंड ये सब किया तो आई मेक श्योर कि कभी जिंदगी में कुछ भी होगा कोरोना नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा रास्ता है कि हमारे घर के अंदर आ सकता है फ्रूट से, सब्जियों से। अब फ्रूट और सब्जियों का क्या करें, सबसे पहली बात तो ये इंश्योर करेगी जो व्यक्ति घर से बाहर लेने निकला है वो एंट्री कैसे करेगा, मैं पूरा रिजाइन बताऊंगा कि हम घर के बाहर निकले तब क्या, और घर के वापसी घुसेंगे तो हमें क्या करना है। तो जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स घर में आती हैं, उनको पहले बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी में सिरका डाल लीजिए, जो भी सिरका अवेलेबल है, वो एप्पल साइडर विनेगर हो, सफेद सिरका हो, कोई भी सिरका हो, वो पानी के अंदर डाल लीजिए, और सब्जी और फ्रूट्स को उसके अंदर तकरीबन 20 मिनट तक डुबोए रखना है। अगर उसके ऊपर कुछ भी वायरस होगा तो वो हट जाएगा। दूसरी बात क्या होगी कि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा है वो भी निकल जाएगी, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वालिटी भी इम्प्रोवाइज हो जाएगा आप लोगों का। तो दो रास्ते हैं हमारे शरीर में जाने के, भोजन वो घर से बना लेके जाइए, घर में जो भोजन आया वो आते ही पहली बार में हमने क्लीन कर दिया, नीट एंड क्लीन कर दिया। उसके बाद भी अगर किसी भोजन में हमारा डाउट है कि उसमें कोरोना वायरस हो सकता है तो उसको उबाल दीजिए, उबलते ही ये मर जाएगा। यानी इस समय जो सीजनल हमने सब्जियां खानी है वो सारी चीजें हमें उबली हुई खाना प्रेफर करना है, कच्ची चीजें कुछ टाइम ना खाएं तो भी हमारा काम चलेगा। हम लोगों को उबला हुआ खाना ज्यादा प्रेफर करना है, हीट ज्यादा प्रेफर करनी है। ये एक और वो है सावधानी जो हम लोगों को बरतनी पड़ेगी। अब है रिजाइन कि घर के अंदर तो आदमी सेफ है, जिस दिन हम निकले हमें पता है कि हमारे यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है, बाहर से अंदर आते हुए क्या करना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस आदमी की कि ये बाहर जा रहा है, वहां से ये कोरोना लेकर आ सकता है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। पहली चीज, अंगूठियां, मेटल की चीजें, ज्वेलरी, वो आप हटा दीजिए, घड़ी मत डालिएगा। जिन लोगों को बेल्ट डालना जरूरी नहीं है वो बेल्ट मत डालिए, क्योंकि सब में मेटल होता है और मेटल रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी, उस पे इसका स्टे जो है 72 घंटे तक है। तो कोशिश करिए घड़ियां, अंगूठी, चेन, बेल्ट, ये जितना अवॉइड किया जा सके इस चीज को अवॉइड करें, पहली सावधानी।
दूसरी सावधानी, सिख भाई जो कड़ा डालते हैं वो कड़ा नहीं रिमूव कर सकते, तो वो लोग या तो अगर स्टील का कड़ा है तो तांबे का डाल लीजिए, या कॉपर का अगर कड़ा होता है तो, या सब धातु के बनते हैं उसमें से कोई भी कड़ा प्रेफर कर सकते हैं। और कड़े को भी जब घर में घुसे तो एक बार जरूर थोरोली आगे पीछे ऊपर नीचे से वॉश करिएगा, अगर हो सकता है तो निकाल के 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए पानी के अंदर जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि उसके रेशे रेशे तक पानी पहुंच जाए। अब हम घर से निकले, हमें वापसी कैसे एंटर करना है? हमने सुबह मास्क लगाया, पहली चीज घर की बेल मत बजाइए, घर को कुंडी को मत खड़काइए, फोन कर दीजिए किसी भी व्यक्ति को घर के को, और फोन कोशिश करिए कि लाउड स्पीकर पे रखे, और घर पे सुबह हम लोग उसको एक कोई भी कागज लपेट के ले जाएं और उसके थ्रू फोन अटेंड करें, और जरूरत हो शाम को आके वो कागज उठा के हमें जला देना है या कूड़े में फेंक देना है। फोन हम मिलाएं, फोन मिलाने के बाद प्लास्टिक का है, कई लोग जो सेल फोन यूज करते हैं, टच फोन यूज करते हैं, वो उसके बाहर स्क्रीन लगा सकते हैं, स्क्रीन गार्ड, और स्क्रीन गार्ड को आप अपने सैनिटाइजर से शाम को वॉश कर सकते हैं। जिन लोगों का कीपैड वाला है वो कागज पुट कर सकते हैं। शाम को फोन लगाइए घर के ऊपर और उनको बोलिए कि दरवाजा खुला रखे, दरवाजे से हमारे को एंटर करना है, खुले दरवाजे से, और उनको बोलिए कि साबुन का डिटर्जेंट का पानी तैयार रखें, और जब हम उठाएं हमें ध्यान ये रखना है कि मास्क जब हमने लगाया हो तो मास्क हम इस तरीके से जो पहनेंगे तो हम एक तरीके से इस डोरी को पकड़े और ऐसे रिमूव करना है, और इसको सीधा डिप करिए साबुन के पानी के अंदर। 2 मास्क रखिएगा अगर लेना है तो, एक आज धुलेगा एक कल धुलेगा सूखने के हिसाब से। मास्क को निकालना है, उससे पहले जाके हाथ धोने हैं, यहां तक के इस तरीके से जो सब रास्ता बता रहे हैं मैं दोबारा बताऊंगा क्योंकि बीच में है, इस तरीके से हाथों को धोना है उल्टा सीधा करके, यहां तक का हाथ वॉश करना हमारे को। इस हाथ वॉश के बाद किसी दूसरे को नहीं बोलना, अपना मास्क का डोरी, एक डोरी पकड़ी और मुंह से दूर करते हुए मास्क हटाया और सीधा का सीधा पानी के अंदर डिप कर दिया। साबुन का पानी होना चाहिए, 10-15 मिनट के अंदर इसके साथ जो भी वायरस चिपक के आया होगा वो खत्म हो जाएगा। देन सिंपली आपको कप नहाने के लिए बाथरूम का यूज करिए, जाइए बाथरूम में नहाइए, सिंपल साबुन से बात लीजिए, कपड़े धुलने के लिए वहीं की वहीं पे डाल दीजिए। व्हेन यू आर टेकिंग बाथ तो आप घर में किसी को भी पूछ सकते हैं कि जब मैं नहा लूंगा तो मैं टॉवल वगैरह मांगूंगा, मुझे दे दिया जाए। हाथ लगा के मत लेके जाइए अपने आप से, ये गलतियां मत करिएगा क्योंकि घर को सेव करना है। अगर ये मास्क पूरे दिन नहीं हटा है और आपने आके इस तरीके से करा तो घर में बाहर जाने वाला व्यक्ति ना खुद को कोरोना दे सकता है ना घर पे कोरोना लेके आ सकता है। ये पहली बात है जो बड़ी बात है। अब घर के बाहर निकलने वाले व्यक्ति को हमें सिक्योरिटी देनी है कि उसके ऊपर भी हो सके तो कोरोना अटैक ही ना करे, उससे कोरोना आके चिपके ही ना। पहली चीज, जितने भी दिन आप बाहर रहने वाले हैं घर के, जितने भी दिन, बालों में तेल लगा के जाना जरूरी है, ये बालों पे भी चिपकता है, स्टे है, तो बालों पे तेल लगाना जरूरी है। जो अपनी कंपनी है उसका ऑयल आता है केश केयर ऑयल, दूसरे तेल की मैं बजाज एलमंड की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका जो नेचर होता है नॉन स्टिकी होता है, लेकिन केश केयर ऑयल के अंदर हम नीम भी यूज करते हैं, अकर करा भी यूज करते हैं, बेस ऑयल भी तिल का तेल है जो एंटी माइक्रोबियल होता है। तो ऐसा तेल अगर आप बालों पे लगा लेते हैं नहाने के बाद अच्छे तरीके से, तो उस केस में ये वायरस नहीं चिपकेगा। दूसरी चीज, हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी बाहर जाए, जिन लोगों को कैश केयर की अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती है, मान लीजिए कि कुछ लोग बोलते हैं मैं कैश केयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं, क्योंकि हमारे लिए परिवार का हर एक वो व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण है जिसके पास पैसा और जिसके पास पैसा नहीं है या जो थोड़ा कर सके। कच्ची घानी का सरसों का तेल, रिफाइंड नहीं, कच्ची घानी की सरसों का तेल लीजिए, जिसको कि देखने से लगाने से झल आता है, जलन करता है, उस तेल को लगाइए और दोनों नोस्ट्रिल्स पे इस तरीके से तेल को अप्लाई करना है। तीसरी चीज, जब हम दांत साफ करेंगे तो ब्रश तो आज के बाद करना ही करना है,
या तो टीथ केयर से दांतों पे, मसूड़ों पे, हर कोने पे मसाज करना है और पूरे होठों पे तक लगा के उसका मसाज करना है, क्योंकि हमारे टीथ केयर ऑयल में जो यूज होता है ग्लिसरिन के साथ, वो चीज होती है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, जो वर्ल्ड का सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट और किसी माइक्रोबियल को ठहरने नहीं देता। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वही सेम काम सरसों के तेल से करिए। सरसों के तेल से पूरे मसूड़ों को, दांतों को मसाज करना है और पूरा करके 2-4 बार अच्छे से कुल्ला करके, ताकि पूरे मुंह में फैल जाए, और उसके बाद उसको थ्रो करके जाना है। इसको हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं ऑयल पुलिंग। ये हजारों साल पुराना टेक्निक है, हजारों साल पुराना टेक्निक। इससे भी हमारे को पूरा दिन सेफ्टी रहेगी, क्योंकि पानी के साथ तेल उतनी मात्रा में बहके नहीं जाता, तो हमारे नाकों की कैविटी पे भी एंटी प्रोटेक्शन लेयर रहेगा, हम लोगों के मुंह में भी एंटी प्रोटेक्शन लेयर रहने वाला है। तो ये कोरोना के लिए हम लोगों को स्पेशली ध्यान देना है। जो भी व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है उसके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को करना ही करना होगा। इस चीज के लिए हम लोग ढील नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी हालत के अंदर। दूसरी अगली बात, जूते जो हैं वो रबड़ के पहन के जाइए, या चप्पल पहन के जाइए, या पीटी शूज पहन के जाइए, सिंपल सादे शूज जो कि आने के बाद घर के बाहर ही निकालें और उन्हें भी साबुन के पानी में डाल दे। कोई महंगा खर्चा नहीं करना, सस्ता डिटर्जेंट लीजिए, साबुन लीजिए, उसमें एसिड आके डाल दीजिए। ये वायरस अगर लग गया है तो साबुन से भी खत्म हो जाता है, सिंपल। हम अपने हैंड वॉश से हैंड वॉश करें, एल्विश वाले से, वो काफी है। सुबह जाते हुए शाम को हम किसी भी साबुन से नहाए, 10 रुपए वाले से नहाए, 12 रुपए वाले से नहाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सुबह हमें अपनी स्किन पे भी एक लेयर लगा के जानी है जो तेल से लगती है। तो नीम का जो हमारा साबुन है, चचाई का नीम का साबुन, कोशिश करें 90% लोग जो अफोर्ड कर सकते हो, सुबह नीम के साबुन से अच्छे तरीके से नहा के जाए, 3-4 मिनट के लिए शरीर पे लगा रहने दे, ताकि जितना उसमें ऑयली कंटेंट है वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और शरीर के हर कोने पे नीम का साबुन लगाएं, बुजुर्गों को, बच्चों को जरूर लगाएं। वो अगर घर के बाहर निकल रहे हैं, अभी तो कोशिश करनी है ना निकले, लेकिन अगर निकालना जरूरी हो जाए या निकल जाए, तो सुबह का बाथ नीम के साबुन के साथ लेना है। शाम का आपको चाहिए जिस मर्जी से ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम तो लगे हुए को उठाना है, चिपकने के लिए बाहर तो जाओगे नहीं, तो जो बाहर से चिपक के आया वो तो साबुन से मर जाएगा, लेकिन पूरा दिन ना चिपके उसके लिए नीम का है, तो हमारी प्रोटेक्शन लेयर क्या हो गई, बालों पे हमने अपना जो केश केयर ऑयल है वो लगा लिया, नीम का एक्सट्रैक्ट हमारे बालों के साथ लग गया तो हम सेफ हो गए, सरसों के तेल हमने नोस्ट्रिल्स पे लगा लिया, मुंह के कैविटी के अंदर हम लोगों ने उसका पूरा का पूरा यूज कर लिया, वहां पे भी एंटी माइक्रोबियल लेयर हो गया, जो मुंह पे चिपकने के लिए मास्क था वो हमने धुलने के लिए डाल दिया, जूते लेके आए थे वो घर के बाहर ही धुलने के लिए डाल दिए थे हम लोगों ने, सिंपल डिप करके थोड़ी देर डूबा रहने के बाद निकाल दीजिए, गंद निकले ना निकले, बस जूता निकाल लिया, 15-20 मिनट के अंदर सारे का सारा ये वायरस साफ हो जाएगा। कपड़े धुलने के लिए डाले आए और एक साबुन से पूरे शरीर पे बस ढंग से नहा लिए, हाथ आते ही सबसे पहले हाथ धोए। इन चीजों से हमारे घर में कोरोना आने के केसेस लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, अगर हमारी गलती मास्क में ना हो। हम चश्मे पहने हुए और मास्क की गलती ना करें तो 99.99% चांस है कोरोना अटैक नहीं कर सकता। इसको अटैक करने के लिए हम लोगों से गलती चाहिए है कि हम मास्क हटाएं और अपने हाथ और मुंह को छुएं। बस यही गलती हमने इस चीज के साथ नहीं करनी है। जो भी लोग, जैसे मैंने बताया, जो सिख भाई हैं जो कड़ा रिमूव नहीं कर सकते, वो लोग भी आके साबुन के पानी में 10-15 मिनट के लिए कड़े को डिप कर दें, या जिस हाथ में कड़ा पहना उस हाथ को 10-12 मिनट के लिए डिप करके रखें। ये भी एक प्रोटेक्शन है जो लेनी है। एक सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है जो हमारे को पूरी फैमिली को लेना है। हमने जैसे कहा सिरका हम डेवलप करेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन हटता है हम आपको सब्जियों के फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश के लिए भी लिक्विड तैयार कर रहे हैं, जो आगे चल के आपके पेस्टिसाइड भी हटाएगा, कार्बाइड भी हटाएगा, केमिकल्स भी हटाएगा, और ऐसे वायरस, क्योंकि अभी तो 10 साल और चल रहे हैं सब दौर, कोविड का दौर भले ही थम जाए लेकिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा, पिछले 20 साल से भी लगा हुआ, कभी सार्स, कभी बोला, कभी डेंगू, कभी चिकनगुनिया, तो आगे भी ये खतरे रहेंगे। उसके लिए हम फ्रूट एंड वेजिटेबल सैनिटाइजर भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए,
जो कि बड़े सारे और भी काम करेगा कभी किसी ट्रेनिंग में, आई एक्सप्लेन यू गाइस। लेकिन पानी लेंगे तो तुलसी के साथ, खाना घर का बना हुआ बैग में डाल के लेके जाइए, और मास्क हटाने की गलती मत करिएगा। मास्क हटाने से पहले हर बार सैनिटाइजर से हाथ अच्छे तरीके से धोने हैं, एक ही गलती नहीं चाहिए बस मुझे। आप जब भी मास्क हटाएं उससे पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें, घर के बाहर है तभी मास्क को छुएं, उसके बाद जो सरफेस है जो घर से खाना लेके गए खाना खाए, एंड मास्क को दोबारा पुट कर लीजिए सैनिटाइज करके। मास्क की गलती नहीं हुई तो कोरोना नहीं फैलेगा, ये कंफर्म केस है। कई लोग सोचते हैं कि कोरोना मास्क सिर्फ उससे बचाता है जो हवा में फैला हुआ ड्रॉपलेट, मास्क कोरोना के पूरे रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारे और कोरोना के बीच में मास्क आ जाता है कि वो नाक और मुंह तक नहीं पहुंचने देता, तभी हम लोग कामयाब होंगे। और इसके बाद आप देखिएगा कि एक भी सिंगल व्यक्ति भी हमारे पूरे परिवार में से बीमार नहीं पड़ेगा। जो जिम्मेदारी हमने आपके लिए ली है, आपको खुद के लिए वो जिम्मेदारी लेनी है। घर का फ्लोर डेली अपने फ्लोर क्लीनर से, HHI फ्लोर क्लीनर से डेली घर का फ्लोर साफ करना है, सादे पानी से नहीं करना है। अगर फ्लोर क्लीनर की अफोर्डेबिलिटी ना हो तो पानी के अंदर डिटर्जेंट घोल लीजिए। आप डिटर्जेंट घोल के भी पोछा लगाएंगे तो वो काम करेगा, फ्लोर क्लीनर नहीं तो डिटर्जेंट के बिना घर पे पोछा मत लगाइए, उसकी सेफ्टी सेफगार्ड चीज बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा चैप्टर, मान लेते हैं कि इतनी सब चीजों को समझने के बावजूद भी हम कोई गलती कर देते, तो सारा का सारा खेल अब इम्यूनिटी पे है। अब हर चीज इम्यूनिटी के भरोसे आ जाएगी, अब हम बैठेंगे तो इम्यूनिटी के भरोसे बैठेंगे, उस पे तो मेजर खेल है। जिसको हम बोल सकते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो अब है। अब आप समझेंगे कि नेचर परमात्मा का आयुर्वेद का क्या योगदान है। आज जो लोग ठीक हो रहे हैं, सब डॉक्टर पूरा वर्ल्ड बोल रहा है हमारे पास कोई दवाई नहीं, फिर भी हर मुल्क के 30% 50%, चाइना जैसे देश में 80-90% लोग ठीक हो गए, तो वो ठीक कहां से हो गए? इम्यूनिटी से ठीक। जब दवाई मौजूद नहीं है, जब वैक्सीन मौजूद नहीं है, तब हम लोग कह रहे हैं कभी ये दवाई काम कर गई कभी वो दवाई काम कर गई, किसी एक दवाई पे सहमति नहीं है। तो कारण क्या है? जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जिन लोगों का वाइटलिटी अच्छा है, केवल वही लोग ठीक हो पा रहे हैं और हॉस्पिटल के बाहर आ रहे हैं। तो इम्यूनिटी तो सबसे बड़ा हथियार है, ये क्लियर हो चुका। आयुर्वेद की याद पूरे संसार को आ गई जब से कोरोना फैला है। जब मॉडर्न साइंस के हाथ टिके, एलोपैथ के हाथ टिक गए, तो जाके मत्था वहीं टेका जहां टेकना चाहिए था। और आज आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुर्वेदिक काढ़े नंबर वन पे है। आयुष मंत्रालय की 3-3 पेज की गाइडलाइंस भी फॉलो हो रही है। अब इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन? सबसे पहला ऑप्शन है हम लोगों के पास विटामिन सी। विटामिन सी जो भी रहेगा तो वो बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सुप्रीम इम्यूनिटी प्रोवाइडर होता है विटामिन सी। जितने ज्यादा सोर्स से खा सकते हैं, विटामिन सी का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो टॉफी चूसने से नहीं होगा, लिमसी वगैरह 25 पैसे की, वो एस्कॉर्बिक एसिड है, बायो अवेलेबल विटामिन सी में बाकी चीजों में बहुत अंतर है। विटामिन सी का मतलब है खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ में भी जितने ज्यादा खाएं, मतलब नींबू लें, संतरा लें, जितने तरीके के, जितने अलग अलग कलर से खट्टा पदार्थ मिलता है कलर थेरेपी के साथ, सिंपल सॉल्यूशन के तौर पे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो ट्रस्ट बेरी का 15 ml का डोज खुद भी लें, परिवार को भी दें, बुजुर्गों को घर के को जरूर दें, बच्चों को जरूर दें 10 साल से नीचे, जहां सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि दिल्ली में 31 साल का फुल्ली फिट कांस्टेबल 12 घंटे में गुजर चुका है, इस कारण से अवॉइड तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं, जैसा मैंने कहा कि सब लोगों का मैं सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो ट्रस्ट बेरी जरूर अफोर्ड करिए, क्योंकि 7-8 कलर के विटामिन सी प्रोडक्ट से वो बनता है, जिसमें असाई बेरी है, क्रैन बेरी है, गोजी बेरी है, आमला है, कीवी है, आपका मैंगोस्टीन है, सी बकथोन है, सो पेलमेटो है, ये सभी खट्टे पदार्थ होते हैं। इन सब से मिलके 6-7 वैरायटी के कलर से मिलके तब ट्रस्ट बेरी बनता है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट का फायदा भी देगा,
विटामिन सी की वाइटलिटी भी देगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी करेगा, डिटॉक्स भी करेगा बॉडी से, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। तो ट्रस्ट बेरी लीजिए, ट्रस्ट बेरी के साथ गिलोय लीजिए जो लोग ले सकते हैं इस समय, क्योंकि जिंदगी बचाने का साल है, जो बहुत पहले ही बोल चुका, पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा बजट, क्योंकि हमारे सिनेमा के बजट घट जाएंगे, हमारे कॉफी के बजट घट जाएंगे, हमारी कुल्फी के बजट घट जाएंगे, हम लोगों के रेस्टोरेंट के बजट घट जाएंगे, तो उस बजट को ट्रस्ट बेरी और गिलोय पे लगा दीजिए। ये दो चीजें हैं जो प्रोडक्ट और इम्यूनिटी प्लस जो लोग ले सकते हैं, बच्चों को इम्यूनिटी प्लस दीजिए, जो बड़े लोग हैं वो गिलोय और ट्रस्ट बेरी लीजिए। ट्रस्ट बेरी तो पूरा परिवार लेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा रिजल्ट 15 ml का। अब जो लोग ट्रस्ट बेरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो गिलोय ले लीजिए, इम्यूनिटी प्लस ले लीजिए, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम। जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो दिन में 5 से 6 बार अदरक उबालिए और उसके अंदर नींबू निचोड़ के पीने का हैबिट बनाइए। अदरक उबालना है और नींबू भी पीना है। जो ट्रस्ट बेरी पी सके वो लोग भी ये काम कर सकते हैं, और जो ट्रस्ट बेरी नहीं पी रहे वो तो इस चीज को संविधान समझ के करें कि दिन में 5 से 6 बार अदरक कूटना है, कूटी हुई अदरक का काढ़ा बनाना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। एक ग्लास पानी में लगभग 10 से 15 ग्राम अदरक डालनी है और जब तक वो काढ़ा आधा ना रह जाए उबल उबल के तब तक करना, और उसके बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ के चाय की तरह पीना है, ये कंफर्म करना है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस टाइम ट्रस्ट बेरी को जब तक कोरोना चल रहा है तब तक अवॉइड नहीं करना है, पानी बिना तुलसी के नहीं पीना है, इस चीज को हैबिट बना लीजिए। छोटी छोटी आदतों से ही हम ये जंग जीतने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे खर्चे कम होने वाले हैं। घर में कच्ची घानी का सरसों का तेल जरूर होना चाहिए, बालों पे केश केयर ऑयल या कच्ची घानी का सरसों का तेल, इन दोनों में से हमें जरूर लगाना। हमने अपने परिवार और परिवार की जिम्मेदारी अब नहीं ली तो कभी नहीं लेंगे। 2020 के बाद अमीर हम अपने आप बन जाएंगे अगर ये कोरोना जैसा आंकड़ों में दिख रहा है फैल गया तो। हिंदुस्तान की 20-30% आबादी भी खत्म कर सकता है क्योंकि हमारे पास उतना इलाज मुहैया नहीं होगा, हम एक बड़ा डेंस पॉपुलेशन वाली कंट्री है। तो आज हम लॉकडाउन थे तो खुद को बचा रहे थे, अब हम बाहर निकलेंगे तो भी हमें खुद को बचाना है। इसके अलावा अगर आपको कोई छोटा मोटा सिम्टम आ जाए, परमात्मा ना करे छोटा मोटा सिम्टम आ जाए, या जो लोग सिम्टम नहीं देखना चाहते जो अफोर्ड कर सकते उनके लिए, वरना सिम्टम के लिए समझिए, जब कोरोना गले के नीचे चला जाता है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। इसके जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं वो हमारे सेल्स को इन्फिल्ट्रेट करते हैं और उसको हाईजैकिंग मोड में ले आते हैं धीरे धीरे। पहले तो 5 दिन में अपना बेस बनाता है, 5 दिन में सिम्टम आते हैं, 5 दिन में अपना बेस बनाता है। अब क्या होगा, जब इम्यूनिटी इससे लड़ेगी तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई हो जाएगा, यानी पानी बनने लगेगा और बॉडी उस पानी को सेल्स की सूजन के तौर पे स्टोर कर लेगा। जब ये स्टोर करेगा तो उसके बाद खून गाढ़ा हो जाएगा, किडनी फिल्टर नहीं कर पाएंगी, ब्लड नॉन ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऐसे हालात हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्रस्ट बेरी पहले से ही अफोर्ड करें ताकि उनके ब्लड में डी ऑक्सीजनेशन होता रहे, ऑक्सीजनेट होने ही ना पाए ब्लड, ये करने ही ना पाए उसको। इसीलिए मैंने इसको पहले से बोला है कि ट्रस्ट बेरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस चीज के अंदर। अब अगर हमें लगता है कि बॉस कोई गलती हो गई थी, कोई चूक हो गई है, कोई सिम्टम मुझे आ रहा है, तो पहली चीज तो नजरअंदाज ना करें, और अगर आपको होम क्वारंटाइन करने की सलाह दी जाए तो ध्यान से सुनिएगा, यह चीज आपके बहुत काम आएगी, बचाएगी। घर पे खरीद के एक पैकेट रखना, पर रखना इस चीज का, ये चीज आपको मेरी उस टाइम याद आएगी। अगर होम क्वारंटाइन कर दिया जाए तो घर के लोगों को गार्लिक देना स्टार्ट करिएगा, हल्दी सुबह शाम देनी स्टार्ट करनी है खाली पेट गर्म पानी में, रात को सोते हुए आधा आधा चम्मच, क्योंकि इन्फ्लेमेशन नहीं होने देनी। बीमारी जब तक सीरियस नहीं होगी, जब तक इन्फ्लेम्ड होके लंग्स में निमोनिया नहीं बन जाएगा, हम बस वहां तक नहीं गए तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने अभी तक बताया कि रोकथाम कर सकते हैं, रोकथाम के आगे भी रोकथाम बता रहा हूं। इम्यूनिटी बना लीजिए, अटैक नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं हो पाया, वहां पर भी चूक हो गई, चलो सारी गलतियां माफ, क्योंकि हमें आदमी हर हालत में बचाना। होम क्वारंटाइन करने की सलाह दी जाए तो वो सिपाही इसलिए गुजर गए क्योंकि उसके घर पे किसी को नॉलेज नहीं थी। अगर नॉलेज हुई होती तो उसका ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा था,
वो कन्वर्सेशन सुनिएगा, उसमें वो बोलेंगे वो तुतलाने लग गए थे अमित जी, यानी ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा था, गाढ़ा हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो गई, यानी निमोनिया बनना चालू हो गया। तो हल्दी का यूज सुबह शाम करना है, खून गाढ़ा ना हो पाए उसके लिए हमारे पास गार्लिक कैप्सूल्स हैं। गार्लिक कैप्सूल्स का इमिडिएटली इंटेक स्टार्ट कर दीजिए कि खून गाढ़ा ही ना होने पाए। और एक चीज जो कोई नहीं बता रहा, जो आपके पास सबसे ज्यादा काम करने वाली है, जो हम लोगों का प्रोडक्ट है स्टोन मिल्क, किडनी स्टोन रिमूव करने वाला प्रोडक्ट, वो उस हालत में हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वो अल्कलाइजर होता है, वो किडनी फंक्शंस को रुकने नहीं देगा, खून में ऑक्सीजन की मात्रा को घटने भी नहीं देगा, पेशाब खूब निकालेगा, लंग्स में जो इम्यूनिटी के लड़ने से पानी प्रोड्यूस होगा उस इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करेगा। तो वो प्रोडक्ट, ये तीन प्रोडक्ट आप बैकअप में रखिए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, गार्लिक, हल्दी और किडनी स्टोन निल, ये घर में हर किसी आदमी को बैकअप में चाहिए, क्योंकि अगर होम क्वारंटाइन हुए तो 14 दिन के लिए होंगे, घर के जितने व्यक्ति हैं उनकी 14 दिन की डोज स्टोर करके घर में रखिए। आज नहीं कल रिटेल हो जाएगा, रिटेल नहीं होगा, अपनी सेहत सुधारने के लिए यूज कर लेंगे, पर फैमिली मेंबर 14 दिन का मिनिमम डोज इन प्रोडक्ट्स का रखिए, अगर क्वांटिनेशन की प्रॉब्लम आ जाए तो। वो ना उसके पीछे ट्रस्ट बेरी गिलोय, नींबू का पानी, अदरक का रस, मैंने बताया अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रस्ट बेरी और गिलोय अफोर्ड करिए। और उससे पहले मैंने बताया मास्क, शरीर को साफ रखिए, सुबह नीम के साबुन से नहाना है, शाम के वक्त सादे साबुन से नहा सकते हैं। ये सारी चीज अगर ध्यान रखेंगे तो मैं आप लोगों को श्योर करता हूं, इस वीडियो के अगर आप पॉइंट्स नोट करते हैं और ये गलतियां नहीं हुई तो ये गारंटी है कोरोना चाहे हिंदुस्तान की सारी जनता को हो जाए, लेकिन जो लोग इस चीज को फॉलो करेंगे उन्हें कोरोना नहीं होगा, हो गया तो सीरियस नहीं होने पाएगा किसी भी सिचुएशन में। तो हम लोगों का एंटी इंफ्लेमेटरी हल्दी, किडनी का स्टोन निल जिससे हम किडनी स्टोन रिमूव करते हैं, और गार्लिक, ये तब है जब सिम्टम आ जाए या होम क्वारंटाइन हो जाए। हमारा इम्यूनिटी प्लस, गिलोय और ट्रस्टबेरी तब है जब ना हो, बच्चों को और बुजुर्गों को इम्यूनिटी प्लस देना है, जवानों को ट्रस्टबेरी और गिलोय देना है, और बुजुर्गों और बच्चों को ट्रस्टबेरी और हम लोगों को इम्यूनिटी प्लस देना है। सुबह एक टाइम 15 ml ट्रस्टबेरी दीजिए, और जो लोग अफोर्ड ना भी कर सकते हो तो उन लोगों को सलाह दीजिए कि दिन में अदरक और नींबू पानी का 5 से 6 बार काढ़ा जरूर पिए। अगर तुलसी डाल के पी सके तो बहुत ही बढ़िया होगा, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, गर्मी है अगर काली मिर्च डाले तो नींबू ज्यादा निचोड़ लीजिएगा। अगर ये सब काम हमने किए तो पहली बात तो कोरोना हम लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, सेकंड पहुंच गया तो हमारी इम्यूनिटी उसको हरा देगी, और अगर इम्यूनिटी ना हरा पाई तो भी हम गार्लिक, किडनी निल स्टोन से लेके बाकी चीजों से लेके उससे लड़ लेंगे। अगर हमने खुद को निमोनिया ना होने दिया तो हम जंग जीत जाएंगे। ये लड़ाई अब हमारे और कोरोना के बीच रहने वाली है, चाहे ये 17 मई के बाद हो चाहे 30 मई के बाद हो। और जैसा मैंने कहा, इस छोटी सी बीमारी से हमने बड़ा गम बड़ा धोखा नहीं खाना है। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोई आदमी खो जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे निजी परिवार का कोई व्यक्ति खो जाए। यह छोटी सी बीमारी का इतना रुतबा नहीं बना देना कि हम लोगों को कोई बड़ा सा दुख दे जाए या बड़ा सा नुकसान दे जाए। इस चीज का बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी हम इसका लेवल नहीं बनने देंगे। जो आज मैंने सेशन किया, इस सेशन को ध्यान में रखिएगा, और मैं गारंटी करता हूं घर के किसी व्यक्ति तक ये कोरोना नहीं पहुंचेगा। आप बेफिक्र बेधड़क काम कर पाएंगे, बिना चिंता के काम कर पाएंगे, जितना चाहे काम कर सकते हैं। बस इन्हीं प्रिकॉशंस का ख्याल रखना, जो मेन तो मैंने बोला है, मास्क और चश्मा आपका 99.99% साथ देगा। इम्यूनिटी पूरा 100 कर देती है उसको, फिर भी कोई गलती रही होगी तो मैंने कहा कि बैकअप के लिए गार्लिक, किडनी स्टोन और हल्दी का बैकअप जरूर रखिए। पानी जब भी पिए तुलसी, जिंजर या कोई ड्रॉप, क्योंकि उसमें एमल्सीफिकेशन होता है। तो ये सारे लॉजिक्स क्यों काम करना है उसका तर्क भी मैंने आप लोगों को दिया, और धीरे धीरे चीज सामने आ जाएगी। उम्मीद करेंगे ना सिर्फ हमारा परिवार बचे, पूरा देश, पूरा संसार हमारा परिवार है वो भी बचना चाहिए। हमारे मुल्क जल्दी से आजाद हो जाए, कोई वैक्सीनेशन मिल जाए, सब कुछ हो जाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। ऊपर वाले से, ईश्वर से दुआ करिए,
हर जो व्यक्ति घर में बैठा है कि हम लोग अपने और अपने परिवारों को यह नॉलेज फैला के बचाएंगे और बाकी परिवार के लिए भी दुआ करेंगे कि कोई वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन यह संसार बड़ा दुखी है, मुक्त हो जाए जल्दी से जल्दी इस समस्या से, उसकी भी हम दुआ करेंगे। अगली चीज, अब गुड न्यूज है जस्ट बिहाफ ऑफ HHI, जस्ट आफ्टर लॉकडाउन HHI नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर रही है। इस समय पर्सनली कई सालों के बाद इंटीग्रली आई वुड बी वर्किंग विद हैप्पी हेल्थ इंडिया, और मैं और संतोष जी हम दोनों मिलके अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट रेंज, पूरा डिजाइनिंग, पूरा जिसे बोलते हैं हम लोग, पूरा पिक्चर चेंज करने वाले हैं HHI के। हम सब लोगों की मेहनत ने, हमारे परिवार ने HHI को एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया है, और अब आप लोगों को यह पता लगेगा कि क्यों इसको परिवार बोलते हैं। आज तक हम लोगों ने साथ दिया, पहली कंपनी बनेंगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने नेटवर्क का नहीं सोचती, वो जो सेल करते करते उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन अब हम नेक्स्ट लेवल पे चीजों को शिफ्ट करने वाले हैं पैकेजिंग वाइज। जस्ट लॉकडाउन के बाद काम चालू होने वाला एक नई तरह की नई चीजों का, जो कि कंप्लीटली देखरेख में मेरी में हो रहा है, मैं और संतोष जी उसका पूरा देखरेख कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन गारंटेड साइंटिफिक क्लिनिकल स्टडी के साथ लेकर आ रहे हैं गैनोडर्मा कॉफी। वो भी ऐसी मार्वेलस प्रोडक्ट होगा कि जो देखेगा उसकी आंखें की आंखें फटी रह जाएंगी। जितनी भी कंपनीज ने गैनोडर्मा कॉफी बेची और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले टेस्ट के साथ, रिजल्ट के साथ घुटने पे आ जाएंगे, ये दावा करके लेके आ रहे हैं। जितने भी अब हम प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, वो सभी प्रोडक्ट क्लिनिकल स्टडीज और रिसर्चेस के बाद R&D प्रोडक्ट होंगे, कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट की रेंज अब HHI लेके आने वाली है। 99% प्रोडक्ट्स को हम रिफॉर्म करके लेवल बड़ा करने वाले हैं और कॉस्टिंग बड़ी बेहतरीन रखेंगे। ऐसे रिजल्ट जो अभी तक हम लोग एलोपैथ में देखते आए हैं, वो आपको HHI के प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिलेंगे, इस चीज का दावा है। बड़ी जल्दी जल्दी हम चीजें निपटा रहे हैं। हम इंडिया का नंबर 1 सैनिटरी पैड लॉन्च करने वाले हैं, विद जो अभी हमारा था, इससे भी तकरीबन 400% ज्यादा बेटर सैनिटरी पैड हम लेकर आ रहे हैं, जिसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस लॉन्चिंग सेमिनार में हम बताएंगे तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या कोई कंपनी इतना भी अपने लोगों के लिए सोच के काम करती है। HHI को जरूर उसकी थोड़ी सी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी, बहुत लिटल बिट, ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ऐसी क्रांति लेकर आ रहे हैं कि आप छाती ठोक के ये बोल सकते हैं नेकेड डेमोंस्ट्रेशन में, क्लिनिकल ट्रायल में, कि हमारे सैनिटरी पैड की टक्कर का सैनिटरी पैड ना तो ट्रेडिशनल में, ना मिलम में, ना तियांसी में, ना विस्टीज में, किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है। 3 स्पेशल एक्सक्लूसिव मटेरियल हम यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, जो फर्स्ट एंड पहली बार MLM के इतिहास में केवल HHI के लिए होगा। हैप्पी हेल्थ इंडिया में हम पहली बार वो रेवोल्यूशन करने वाले हैं। तो गैनोडर्मा कॉफी, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, डायबिटीज के, बाकी कईयों के प्रोडक्ट जो ओवरनाइट रिजल्ट्स देंगे, जिन पे बहुत से प्रोडक्ट्स का क्लिनिकल ट्रायल हम ले चुके हैं, अप्रूव हो चुका है, बस अब तो उन्हें अमली जमा पहनाना है, नए लेबल्स पहनाने हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि बहुत ही जबरदस्त MBBS MD US MBBS MD रिटर्न डॉक्टरों के साथ मिलके, और MD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के MD डॉक्टरों के साथ मिलके हम पूरी टीम अप करके, जो लोग HHI बिजनेस को जबरदस्त सीरियसनेस के साथ करना चाहते हैं, जो लाइफ में मुकाम पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया से हटके काम कर जाए लेकिन केवल सीरियस लोग, उन लोगों के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम भी हम लेकर आ रहे हैं, जो एक अलग तरीके की ट्रेनिंग होगी जो MLM में नहीं देखेगी। I'll be heading those things into this HHI परिवार। सौभाग्य है मेरा कि उन लीडर्स को, चुने हुए लीडर्स को ट्रेन करने का मौका हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे मुझे मिलेगा, जहां पे हम आपको रूबरू कराएंगे आज के बाद US रिटर्न्ड अमेरिका से MBBS डिग्री करे हुए इंडिया के माने हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों के, जो हमारे प्रोडक्ट को सैल्यूट ठोक रहे हैं, और वो नामी गिरामी लोग होंगे इंडिया लेवल पे, मतलब कोई लोकल डॉक्टर नहीं जिसको हर कोई बात कर सकता है, नामी गिरामी लोग, MBBS MD लोगों की मैं बात कर रहा हूँ,
यहाँ नहीं अमेरिका तक जिनको लोग मानते हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक नया ट्रेनिंग सिस्टम इजाद कर रहे हैं डाइटिशियंस के साथ, जो कि किसी और इंडस्ट्री की कंपनी के जहन में भी नहीं है। बाकी सब लोग बातों के नाम पे बात कर रहे हैं, और जिस दिन हम पहला ट्रेनिंग सेशन लेंगे उसी दिन पोल खुल जाएगी पूरी मार्केट की कि किस लेवल पे हम काम करने जा रहे हैं और किस लेवल पे बाकी कंपनीज, किस लेवल पे प्रोडक्ट आने जा रहे हैं और किस लेवल पे बाकी कंपनीज प्रोडक्ट होने का दावा कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छी रंग रूप इंटरनेशनल स्टाइल पैकेजिंग और नेवर बिफोर रिजल्ट्स इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड और इंडियन रेट्स, इन तीनों चीजों के पैरामीटर्स पे हम नई रेंज लॉन्च करने जा रहे हैं जो MLM और HHI के लोगों को इतिहास बनाने में उनके साथ चलने में मदद करेगी। आज के बाद एक टीम हमारी वो है जो हमारे साथ चली है, जिस टीम को हम अपलाइन और डाउनलाइन टीम के तौर के नाम पे जानते हैं। अब एक और टीम अगले 2-3 महीने में लॉकडाउन खुलने के अंदर अंदर आपको और मिल जाएगी कि आपकी ताकत जो टीम की है 10 गुना हो जाएगी। जब तक जितने लोग आप अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हैं वो एक आदमी 10-10 आदमी के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे जिन्हें लोग आगे से मांग मांग के खाएंगे। आप नहीं भी जोड़ेंगे तो कंज्यूमर बन बन के आपका मांग मांग के खाएंगे कि और लेके आओ और लेके आओ। ऐसे बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्टों के साथ टीम अप कर रहे हैं। एक एक फॉर्मूला जो 10-10, 12-12, 15-15 करोड़ रुपए लेके डेवलप करते हैं, वही साइंटिस्ट अब HHI की पूरी रेंज को हमारे लोगों का साथ देके डेवलप करेंगे। और आप MNC कंपनी भी हो, चाहे वो MWay है, चाहे FLP है, चाहे वेस्टीज है, किसी के भी लीडर को ये दावा कर सकते हैं कि हमारी टक्कर का प्रोडक्ट, हमारी टक्कर का रिजल्ट अगर तेरे पास है तो बात कर, वरना बिन बात के टाइम खराब मत कर हमारा। तो वही पैकेजिंग पूरा मेकओवर कंपनी का करेंगे हम, HHI को बहुत आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे। तो ये सुनहरा दौर जब HHI का आएगा तो हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने मेहनत करी है उनमें से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा ना रह जाए जो कि हमारी इस मेहनत के प्रयास से, जिन लोगों को लाने के लिए, जिन लोगों की जिंदगी बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जिंदगी में ही शॉर्ट रह जाए। इसलिए आज के सेशन को ध्यान दीजिएगा, परिवार बनाए रखिएगा, और आने वाले समय में आपको मार्केट से एक कदम आगे नहीं, 100 कदम और 10,000 कदम आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं उस बात का बड़ा कट्टर फॉलोअर हूं कि जो अपने बात का नहीं वो डैश डैश बात का नहीं, तो उस बात का मैं फॉलोअर हूं। तो एक कदम आगे नहीं, कम से कम हम अगले 3-4 महीने में HHI को 10,000 कदम मार्केट से आगे लेके जाने वाले हैं। और अगले 2-3 महीने में देखिएगा हर कंपनी HHI का प्रोडक्ट कॉपी करती नजर आएगी। ये मैं और संतोष जी मिलके हम लोग कर रहे हैं, तो जल्दी आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स और भी शानदार प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट्स को और बेटरमेंट देखने को मिलेगा। आयुष अप्रूव्ड इम्यूनिटी का फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया है, जिसको आयुष डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है। जो COVID-19 में फॉर्मूला चला है उनके जो वन ऑफ द डेवलपर्स हैं वो भी आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जो कि इस टाइम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो भी आगे चल के आप लोगों की ट्रेनिंग को आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया बनेंगे। तो बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन और चीजों को लेके आ रहे हैं। तब तक अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिएगा, समझदारी से काम करिएगा, दमखम के साथ खड़े रहिए, क्योंकि अगले 5 साल ना रोशनी नहीं आने वाली है बल्कि रोशनी देने वाला पूरा सूर्य आने वाला है HHI सिस्टम में। तो उस तरीके की मोटिवेशन के साथ, उस मोटिवेशन के लिए जिंदा रहिए, परिवार को सुरक्षित रखिएगा ताकि इस चीज का फायदा हो सके। इतना ही मुझे बोलना था, आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई चीज अब दोबारा पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और संतोष जी को अगर मैसेज आ रहे होंगे या आप मैसेज टाइप कर दें तो वो भी पूछ सकते हैं। तो संतोष जी कोई चीज चाहे, उपल साहब कोई चीज चाहे कि मुझे रिपीट करना है तो प्लीज सर बता दीजिए, मैं उस चीज को रिपीट भी कर दूंगा। उपल साहब थैंक यू, डॉक्टर साहब थैंक यू। वैसे रिपीट वाली कोई आज रह नहीं गया लॉजिक कुछ भी, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी है, और मेनली आपने जो आज शेयर किया है कोरोना से बचने के जो उपाय हम लोगों को दिए हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है और जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन के अभी क्या है कि मार्केट ओपन होने शुरू हो चुकी है, उसमें लोग बाहर निकलेंगे तो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी थे, और आपने वो सारी चीजें आज बता दी हैं, तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने स्पेशल पाउडर्स के बारे में बात की है, ट्रस्ट बेरी, गिलोय
जिंजर, इम्यूनिटी प्लस, इम्यूनिटी प्लस, नील स्टोन, मुझे इतना जुने हेल्दी हो गई, इम्यूनिटी प्लस कैप्सूल्स हैं, ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हैं और जिनके बारे में आपने बताया कि ये बहुत सारे प्रिवेंटिवली हमें मतलब बचाएंगे इस कोरोना जैसी बीमारी से और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उम्मीद है कि सभी दोस्तों को जो बहुत जानकारी अच्छी लगी होगी। और स्पेशली आप एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ सर, सुबह नीम का साबुन, शाम को साधारण साबुन, स्टॉक करके रखिएगा गार्लिक का, नील स्टोन का, हल्दी का, अगर क्वारंटाइन पीरियड परमात्मा ना करे गलती से आन पड़े, और ट्रस्ट बेरी और गिलोय मिडिल बंदों के लिए, और इम्यूनिटी प्लस और ट्रस्ट बेरी बुजुर्ग और बच्चों के लिए। ये चीजें मैं दोबारा ये रिपीट कर दी, मेरे ख्याल से आप सब लोगों तक पहुंच गया होगा जो लोग बाद में भी जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल सर, और ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी फिर भी, और आपने बहुत डिटेल में आज ये डेप्थ जानकारी दी है हम सभी को, आपका धन्यवाद। और जो आपने गुड न्यूज हमें बता दी है वो आपने ही आज ओपन कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं तो एक चीज बोलूंगा कि डागर साहब आपका साथ और एचएचए के विकास जिस स्लोगन आज मैं दे रहा हूँ, और 100% इस स्लोगन से हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और जो हमारी नई अचीवमेंट्स जेट्रोटर्मा कॉफी होगी, सेंट्री पैड के ऊपर आपने बात की है, तो इन प्रोडक्ट्स के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लेकर आ रहे हैं, तो बहुत सारे दोस्तों के तो आज क्वेरीज वैसे क्लियर होगी होगी कि हैप्पी हेल्थ इंडिया आने वाले टाइम में हमारे लिए और क्या कर रही है। वो बेहतरीन चीजें होंगी सर, ना ट्रेडिशनल मार्केट ना एमएनसीज हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगी, आज दावा कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग करके रखिएगा और ये सबके फोन में, ये मेरे जो लास्ट वाले शब्द भेज दीजिएगा, ताकि अगर मुकाबला हो जाए तो कोई मुझे दिखा सके कि कभी एचएचए के प्लेटफॉर्म से दावा किया गया था, ये पूरा नहीं हुआ। आज की सारी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और ये बहुत जल्द कल या परसों तक यूट्यूब पे डल जाएगी। हर्बल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो हमारा ऑफिशियली चैनल है उसके ऊपर है, और वहाँ पे सारी जानकारी हम सभी को मिल जाएगी, दोबारा भी हम सुन सकते हैं जी। तो दोस्तों आज की हमारी मीटिंग भी बहुत सक्सेसफुल रही, जो हम चाहते थे वो नॉलेज हम सबको मिली है। और ये मीटिंग के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि हमारी ये जो पर डे दो मीटिंग चल रही थी, इसको रेगुलर एक मीटिंग करने का फाइनल हुआ है। जो ऑफिशियली हमारी मीटिंग रहेगी वो शाम को 6 बजे रेगुलर मीटिंग लगातार रहेगी, और कल शाम को जो 6 बजे मीटिंग होगी हमारे साथ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के डायनामिक लीडर मिस्टर राजेश यादव जी हमारे साथ रहेंगे, सैटरडे को डॉक्टर राम हमारे साथ रहेंगे, और संडे को पवन जी खुद हमारे साथ इस जूम मीटिंग में रहेंगे। तो रेगुलर इस मीटिंग को शान को बढ़ाए रखिए, रेगुलर टच में रहिए, बहुत सारी जानकारियां आपको हेल्थ से और वेल्थ से रिलेटेड मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। जैसे आज डागर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो ऐसे ही परसों हमें डॉक्टर राम बहुत अच्छी जानकारियां शेयर करेंगे, और कल का और परसों का संडे का दिन हमारे लिए वेल्थ के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखेगा, मोटिवेशन रहेगी बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, तो ये सारी जानकारियां टाइम टू टाइम हम लोगों को मिलती रहेंगी। तो हम लोग लगातार बने रहें यूट्यूब चैनल के ऊपर, मीटिंग छोटी रहेंगी, नॉलेज मिलती रहेगी, बट हम लोगों का फर्ज है कि इन सारी नॉलेज को लेकर जैसे लॉकडाउन ओपन होता है फील्ड में निकले और इसको इम्प्लीमेंटेशन करें और अपनी कामयाबी के लिए काम करें। 100% पूरी मैनेजमेंट, पूरी अप्लायंस आपकी हर कामयाबी के लिए आपके साथ है, और जैसे डागर साहब ने बताया कि उनका पूरा साथ हमारे साथ रहता है, और आने वाले टाइम में जो उन्होंने अभी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो नो डाउट बहुत ही बड़ा बिजनेस हमारे लिए खड़ा हो जाएगा उनके साथ के साथ, उनकी नॉलेज के साथ। तो हम लोग मिलके लगातार प्रयास करेंगे कि हैप्पी हेल्थ इंडिया को इंडिया की उन टॉप कंपनी के अंदर ले जाए आने वाले कुछ ही सालों में, 2025 भी नहीं मैं तो कहता हूँ 2022 और 2023 के अंदर हम कंपनी की टॉप 5 कंपनी में एंटर कर चुके होंगे, क्योंकि जो आज का सिनेरियो है, जो आज का माहौल है, और जैसे ही हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं और एफएमसीजी की रेंज, इन सभी प्रोडक्ट के साथ हम बहुत आगे तक जा सकेंगे। हम 2021 के एंड तक कर देंगे उपल साहब ये काम। ग्रेट सर, थैंक यू, बिल्कुल मैंने इसलिए टाइम ज्यादा लिया था क्योंकि हम टाइम ज्यादा लेकर चलेंगे और पहले उसको करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं अगले 3 महीने देख पा रहा हूँ सर, आपके साथ भी फोन पे बातचीत होती है, शेयर किया है, लेकिन अगले 3 महीने में जो मेकओवर होगा, तो मुझे एचएचआई की टीम पे पूरा भरोसा है और अपने प्रोडक्ट्स पे हम ये काम 2021 एंड तक कर देंगे, पहले 5 में तो यकीनन कर देंगे। तो देखो दोस्तों डागर साहब के भरोसे के ऊपर भरोसा हमें करना है और इनके भरोसे को और बड़ा करना है, हम सभी ने मिलकर अपने इस टर्नओवर को बढ़ाना है, ताकि हम लोग 2021 के अंदर उन कंपनीज की टॉप 5 के अंदर अपनी एंट्री कर चुके होंगे। तो यही भरोसा हम सभी का आपके साथ है, और आपके साथ क्या कि 100% आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए भी हम तैयार हैं, और आप निश्चिंत रहें हम 100% आप सभी के साथ रहेंगे, पूरी कंपनी, पूरी अपलाइन, पूरी मैनेजमेंट आपके साथ है,
और टाइम टू टाइम जैसे इस माहौल के अंदर भी आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी, प्रोडक्ट के अपने पे आउट रेगुलर मिल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब माहौल शांत होगा, नॉर्मल होगा, तो फिर हमारे लिए सर्विसेज कितनी बेटर होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। मैं अगेन डॉक्टर साहब का